फतेहाबाद में बाढ़ के कहर के बीच सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए। फतेहाबाद में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। दूर दूर तक दिख रहे पानी में जहां आम लोग जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वहीं सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू कर रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए लोगों के लिए सेना के जवान खाना पानी बोट के जरिए पहुंचा रहे हैं और कई इलाकों में तो सेना के जवान बिजली विभाग के साथ मिलकर बिजली की सप्लाई को भी रिस्टोर कर लिया है। फतेहाबाद में सेना की चार टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। चारों टीमों के कमांडेंट सौरभ सुमन ने बताया कि अभी तक सेना ने 400 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है, जबकि 1200 से अधिक लोगों तक खाने पीने और मेडिकल सुविधा सहित दूसरी निजी जरूरत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। अभी तक फतेहाबाद ब्लॉक में 25 से 30 गांवों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अलग अलग क्लस्टर्स में अपनी टीमें डिप्लॉय की है ताकि पूरे एरिए को सुरक्षित किया जा सके। अब हम आपको कमांडेंट सौरभ सुमन की पूरी बात सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इस रेस्क्यू के दौरान उनकी टीमों ने क्या क्या किया। हमारा अभी तहसील फतेहाबाद में जो मेन फोकस है, जिन गांवों की कनेक्टिविटी टूट गई है उन गांवों में राशन पानी और मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करना, और जिन गांवों में कनेक्टिविटी नहीं और पानी का लेवल काफ़ी हाई है उन गांवों से लोगों को रेस्क्यू करना और इवैक्यूएशन करना। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के एक अपनी टीम बनाई है, जिसमें हर प्रकार के लोग हम मिलजुल करके काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ में लोगों को इवैक्यूएट और राहत पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अभी तक कुल तकरीबन 400 से के आसपास में हम लोगों को इवैक्यूएट किया है और 1200 से 1300 लोगों को हमने सुविधाएं, चाहे वो हेल्थ हो, फूड हो, वाटर हो, या फिर किसी प्रकार का किसी को और कोई निजी सहायता हो उसको वो करने की हमने कार्रवाई की है। तकरीबन 35 से 40 गांव हैं जिसको हमने एड्रेस किया है। अभी तक गत 5 से 6 दिनों में तक हमारा ऑपरेशन चला है इस इलाके के अंदर, और हमने अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर अपनी टीमें डिप्लॉय की हैं ताकि पूरा एड्रेस को होलिस्टिकली एड्रेस किया जा सके। सर, अभी जिस पॉकेट के अंदर पानी है, कितना उसमें क्या ऑपरेशनल जो है एक्टिविटीज़ है? अभी इस फिलहाल हम धीर सेक्टर के अंदर खड़े हैं। इस सेक्टर के अंदर तकरीबन ऑन एन एवरेज 6 से 7 फीट पानी है और मेन गांव के अंदर तो पानी अभी भी नहीं गया है, बट जो धाणियां हैं बाहर वाली वो कट ऑफ हो गई हैं, आइसोलेट हो गई हैं, और अभी तक तकरीबन इस क्लस्टर के अंदर हमने 35 से 40 लोगों को इवैक्यूएट किया है और बाकी लोगों को से हम मिल के आ गए हैं। उनके घरों में पानी नहीं है बट उनको हम सप्लाईज प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो अपने घरों में जो भी जहाँ हैं एटलीस्ट सेफ रहें और सेल्फ सस्टेन रहें। हमने टोटल 4 सेक्टर्स में बांटा है इस इलाके के अंदर, मौके को ध्यान में रखते हुए और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि चूँकि इंटर सेक्टर कनेक्टिविटी अभी टूट गई है रोड के कटने की वजह से, तो हमने चाहा है कि जिस सेक्टर के अंदर जो टीम डिप्लॉयड है वो सेल्फ सफिशिएंट हो और हर महकमे के हर विभाग के लोग उसमें शामिल रहों, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमारा बड़ा अच्छा तालमेल है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा कॉपरेशन की वजह से हम लोगों को इवैक्यूएशन में काफ़ी मदद कर पा रहे हैं। पावर सप्लाई पहले इनिशियली जितने भी एग्रीकल्चर फीडर्स की थी सेफ्टी के लिए से बंद किया गया, बट फिर हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के उन्होंने असेस किया और जहां उनका रिक्वायरमेंट आ रहा है कि हमने पावर रिस्टोर करना है, तो उनकी टीमों को लेकर के जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने मैक्सिमम विलेजेस के अंदर में पावर रिस्टोर करने की कार्रवाई की है। फतेहाबाद से बजरंग मीणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।